गंगा क्या देख रहे हो चाचा मैं वही हूँ और वही कर रही हूँ जो तुमने सिखाई थी वो तो मैं जानता हूं बेटी लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सब कुछ तुमने कितनी आसानी से कर लिया नहीं आसानी से कर लिया अगर औरत होते तो इस तरह की बात ना करते है? तो मैं नहीं मालूम एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है एक ऐसे आदमी को अपनाना जिसे वो पसंद ना करे लेकिन पूरब तो तुझे पसंद है ना बेटी अगर वो इतने बड़े घर का सबसे बड़ा लड़का ना होता तो मैं तो उसकी तरफ पलट के भी ना देखती लेकिन सच कहूं तो अब अच्छा लगने लगा है <laughs> तू खुश रह बेटी तो खूब खुश रहे मेरी बच्ची <laughs> क्या बात है चाचा चाटो के वजह आशीर्वाद दे रहे अरे नहीं, नहीं नहीं बेटी देख मैं तो हमेशा से तुझे आशीर्वाद देता आया हूँ सुसरी चलो कोई बात नहीं वो सब कुछ हो गया जो मैं चाहता था तूने कर दिया मेरी बच्ची सही जा रहे है एकदम सही जा रहे जो तुम बदल गए हो ना चाचा मुझे ज्यादा हैरानी ना हो रही है मतलब मतलब तुम्हें तो बदलना ही था हुँ? अब देखो नीता मैडम और साहब जी को मैं पसंद आ गई हूं वो दो छोकरों को भी मैं पसंद आ गई हूँ। अब जो तुम्हारा अचानक वो वफादारी का राग शुरू हो गया था वो भी बंद होना था सो हो गया तुम्हारा पैसे ऐठना जो शुरू हो गया था वो भी बंद होना था सो हो गया अब तुम एक बात समझ गए हो कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो तुम तो ऐसे भगा दिए जाओगे और तुम्हें मालूम है कि एक ना एक दिन मैं इस घर की बहू बनने वाली <laughs> इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लेकर के आया था मेरी बच्ची <laughs> इसीलिए मैंने किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं लगाई अब सच्ची सच्ची बताओ मेरी तरफ हो या मेरे खिलाफ खिलाफ अरे रे अरे द्वारकाधीश जी की सौगंध मैं तो तेरे साथ हूँ मेरी बेटी मैं साथ हो है? क्योंकि मेरा पल्ला जो भारी हो गया है ना बल्कि इसलिए कि तू वो सब कुछ कर रही है जो मैं चाहता हूँ अब तो बेटी तू ये बता कि अगली चाल क्या है अगली चाल हां बताऊं हाँ। सब्र करो इतमे नान से बताऊंगी हाँ। चलो पहले मेरा हाथ बटाओ अरे तू एक काम कर ये काम वहां मुझ पे छोड़ दे तू तो अंदर जाके बैठ मैं तेरे लिए चाय बना के लाता हूँ मेरी बिटिया हाँ। शक्कर ज्यादा रखना हां खूब सारी है।